कहते हैं कि आपने हमारा मुंह कड़वा कर दिया करेले खिला के ना, हमें मजे के हैं लेकिन मुंह कड़वा हो गए, तो आप जी हमारा मुंह मीठा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, सबका ठीक ठाक है? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है जी जुमा मुबारक, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो जी। तो मैं अभी करने लगी हूँ बच्चों के कपड़े ड्रेस जुमे के लिए। तो आज ही मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, हमारे पास गर्मी नहीं है, और देखें हमारे पैरट जो है माशाल्लाह मौसम को इंजॉय कर रहे होते हैं। आजकल कभी ये इस पौधे पे बैठ जाते हैं और कभी इस पौधे पे बैठ जाते हैं, और थोड़ा सा नुकसान करते हैं बैठ के। ये देखते जरा पैरों की रही है कि टहनियाँ जो है काट करके नीचे फेंकते रहते हैं। शाहजेब जी माशाल्लाह तैयार होके चला गया मस्जिद में, तो अब व्यास चादर भी तैयार हो गया और कारी साहब भी मस्जिद में आ गए माशाल्लाह। जुमे का टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, तो हम जल्दी जल्दी व्यास चादर की तैयारी करवा के भी भेज देते हैं जी। चलो जी माशाल्लाह, जुमा पढ़ने चले गए हैं, तो मैंने कहा जल्दी से मैं उनके पीछे से कुछ काम निपटा लेती हूँ, फिर आते हैं तो फिर उनको खाना भी देना है आते, तो थोड़े से कपड़े थे मैंने कहा जल्दी से हाथ से ही धो लेती हूँ, फिर ज्यादा जब मैं हो जाए तो फिर मशीन लगानी पड़ जाती है, फिर ज्यादा काम बिखर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं बच्चों के आने से पहले पहले, मैंने इनको एक दफा हुशेक भी कर लिया, तो अब मैं ना इनको जल्दी से डाल आती हूँ छत पे। मैं छत पे जाने लगी थी कपड़े डालने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से ही कपड़े हैं तो सेहन भी डाल देती हूँ, क्योंकि धूप निकल आई है, तो वैसे भी स्पिन हुए हुए ये जल्दी खुश हो जाएंगे। इधर बच्चे पानी की बोतलें भर के ले आए, तो यहीं ऐसे ही बोरा छोड़ के चले गए, तो मैंने कहा चले मैं निकाल के तो रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि उनके आने तक पानी जब कुछ ठंडा हो जाएगा। कल जी हमने भरवा करेले की रेसिपी बनाई थी, जो कि आप सबने बहुत पसंद की, इसके लिए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जी बच्चों को तो करेले ना खाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, कहते हैं कि आपने हमारा मुंह कड़वा कर दिया करेले खिला के ना, हमें मजे के हैं लेकिन मुंह कड़वा हो गए, तो आप जी हमारा मुंह मीठा किया जाए। तो आप जी आज हम वो चीज़ बनाएंगे जिससे बच्चों का मुंह मीठा हो जाएगा। आज मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए कलर वाली सेवइयां। ये बाजार वाली सेवइयां जी कलर वाली, दूध जी माशाल्लाह उबल गया अच्छे से, तो अब मैं ना इसमें सेवइयां डाल लेती हूँ। आज बड़ी सादी सी रेसिपी बनानी है, सिर्फ बच्चों का मुंह मीठा कराना है। और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ जी चीनी। बिस्मिल्लाह, ये सेवइयां जी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता गलती हैं,
बल्कि थोड़ी देर इनको पका के ना तो ढक्कन दे देना चाहिए, दूध ऊपर काफी सारा रहने देना चाहिए। तो फिर ये थोड़ा टाइम लेती है, 15 से 20 मिनट, तो उस टाइम में अच्छे से गल जाती है। लेकिन ये कि दूध ऊपर काफी सारा छोड़ना चाहिए। शाहजेब इस तरह मेरे पास आके बैठ गया जैसे सर्दियों में बच्चे बैठ जाते हैं। तो असल में ये सवैयों का कमाल है जी, मीठी सवैयों का। अभी दूध काफी सारा ऊपर नजर आ रहा है ना जी, तो यहीं पे मैं इसको इस तरह से दम देके तो चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो अब इसको 20 मिनट हम ऐसे पड़ा रहने देंगे, तो उसके बाद जो है ना सवैया तैयार हो जाएंगी, तो फिर हम बच्चों को खिलाएंगे जी। तो आप हमें दें जी इसके साथ ही इजाजत। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।